हाँ जी बच्चों, रिवाइज करेंगे। क्या रिवाइज करेंगे बेटा? आईटीसी का सेक्शन नंबर 16, स्वीट 16 बेटा। लीजिए, तो सेक्शन 16 क्या बोलता है सर? सेक्शन 16 आपको एलिजिबिलिटी बताता है, और क्या बताता है बेटा? कंडीशंस, किस बात की? टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। थोड़ी सफाई कर देते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 बोलता है कौन क्रेडिट ले सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है सर जी? जिसने सेक्शन 25 के अकॉर्डिंगली क्या करा रखा हो? अपना रजिस्ट्रेशन। बट जिनके पास UIN है वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो क्रेडिट लेके करेंगे क्या? वो तो चुपचाप सीधा रिफंड ले लेंगे। लीजिए, तो रजिस्टर्ड पर्सन वाली बात हो गई सर। हर रजिस्टर्ड पर्सन सर क्रेडिट ले सकता है, कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज बीन प्रिस्क्राइब्ड एंड द मैनर स्पेसिफाइड इन 49 क्रेडिट लेजर, कैश लेजर एंड लायबिलिटी रजिस्टर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। ओके, अच्छा जी। Be entitled to take credit of input tax charge on any supply or goods or services to both to him. लीजिए सर, जो सर वो यूज करने वाला है किस लिए? Furtherance of his business, यानी जो अपने personal purpose के लिए goods खरीदे हैं उसमें आप credit avail नहीं कर सकते। याद रखिएगा, input service capital good की definition भी ये बोलती है कि एक particular चीज input service या capital good तभी बनेगी जब वो in course or furtherance of business के लिए use हो रहे हैं। याद है? लीजिए सर, 16-1 की विकेट डाउन, 16-2 आएगा आएगा आएगा, चार कंडीशन बताएगा, जो जो लगाएगा वही क्रेडिट पाएगा, वरना क्रेडिट नहीं पाएगा। तो चार कंडीशन जो शॉर्ट में, पहली बात उसके पास क्या होना चाहिए? टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और सच अदर पर्टिकुलर, जैसे कस्टम के केस में बिल ऑफ एंट्री। याद आएंगी बातें? बिल ऑफ सप्लाई के बेस पे क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं। रिसिप्ट वाउचर के बेस मिलेगा क्या? नहीं, वो सर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड है। डेबिट नोट के बेस पे यस। ओके, तो पहली कंडीशन यही है कि सर इनवॉइस आना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है भाई, गुड्स आने चाहिए, गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए। वो टेबल आप लोगों को याद रखनी है जो मैंने बनाई थी, बड़े प्यार से, कहां गई मेरे दिल के भी दिल में है तू। याद आई वाली टेबल? कि भाई आपके पास पेमेंट नहीं आई लेकिन गुड्स रिसीव हो चुके हैं, इनवॉइस आ चुका है, क्रेडिट यस, पेमेंट भी हो गई, रिसीप्ट भी हो गई, इनवॉइस भी हो गए यस, पेमेंट आ गई लेकिन गुड्स नहीं आए भाई, क्रेडिट नहीं मिलेगा। और इनवॉइस पे सर क्वेश्चन ही नहीं, अगर इनवॉइस नहीं आए तो भाई बात खत्म, फिर भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब पेमेंट किए बिना भी आप क्रेडिट ले सकते हो, क्योंकि अब हम एडवांस स्टेज में हैं, तुम प्रोविजो पहले रिवाइज कर लेते हैं। पेमेंट नहीं है, क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन विश्वास की सीमा है कितने दिन की? 180 दिन की। 180 दिन में अगर पेमेंट नहीं करी आपने तो आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में क्रेडिट ऐड करना पड़ जाएगा। कौन से महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में? जिस महीने में वो 6 महीने 180 दिन एक्सपायर हो रहे हैं। ओके, क्या सिर्फ वही ऐड होगा या इंटरेस्ट भी ऐड होगा? इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, बोलो। और सर जी, आपने बात ध्यान रखनी है कि ये वाला जो प्रोविजो हमने भी पढ़ा, ये रिवर्स चार्ज पे एप्लीकेबल नहीं है, ये उन सप्लाईज पे भी एप्लीकेबल नहीं है जो विदाउट कंसिडरेशन होती थी। अच्छा, इसके ही रिलेशन में एक और प्रोविजो भी आता है कि अगर बाद में उसका दिल पसीज गया, उसका जमीर जाग गया, उसने पेमेंट कर दी तो क्रेडिट दोबारा ले सकता है, राइट। तो इसको पेमेंट को सर ने बहुत ही एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में यहाँ पे खत्म कर दिया। आइए जरा एक बार इस पे और चर्चा कर लेते हैं। बच्चों कहाँ गए हम लोग? ये रहा। तो हमारे पास सर गुड्स आ जाना चाहिए, इनवॉइस आ जाना चाहिए, पेमेंट का जो कनेक्शन था वो हमने इससे बना दिया। अच्छा, एक्सप्लेनेशन, बिल टू शिप टू। एन ने ऑर्डर दिया पी को कि गुड्स दे दो वी को, गुड्स कलेक्ट करे किसने? वी ने, लेकिन क्रेडिट कौन लेगा? एन, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन की डायरेक्शन पे गुड्स कोई भी रिसीव करे तो मान लेते हैं इट इज रिसीव बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एंड ही इज एलिजिबल फॉर द क्रेडिट, बिल टू शिप टू। तीसरा केस बच्चों, टैक्स गवर्नमेंट के पास पे हो जाना चाहिए, सब्जेक्ट टू सेक्शन 41। 41 क्या बोलता है? प्रोविजनल क्रेडिट। तो जीएसटी में सर जब भी आप क्रेडिट लेते हैं, जीएसटी आर वन ऑफ सप्लायर्स के बेस पे 2A में आके 2 में लाके वो प्रोविजनल क्रेडिट होता है। यस, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर 42 के हिसाब से मैचिंग होना जरूरी है। नहीं हुआ तो भाई फिर वो जो मैच नहीं हुआ वो भी आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में क्या कर देंगे? ऐड। और चौथी कंडीशन है सर, क्या फर्निश हो गई हो? रिटर्न फर्निश हो गई हो अंडर सेक्शन 39, राइट। हाँ जी, रिटर्न फर्निश हो गई हो अंडर सेक्शन 39 जीएसटीआर 3, डन। ओके, देन उसके बाद गाइस हमने इसका एक प्रोवाइडर एक्ट पढ़ा, लॉट्स और इंस्टॉलमेंट वाला। कब क्रेडिट लेंगे? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, लास्ट लॉट पे,
लास्ट लॉट जब आएगा तभी ग्रेड लेंगे। फिर हमने सर ये वाला एक दो प्रोविजो अपने दोनों कवर कर ही लिए हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिनके बेस पे बेटा क्या मिलता है, क्रेडिट मिलता है, जैसे कि इनवॉइस है या फिर रिवर्स चार्ज के केस में सेल्फ इनवॉइस है या फिर सर डेबिट नोट है, बिल ऑफ एंट्री है, रिवाइज इनवॉइस पढ़ा है हम लोगों ने कि नहीं। सर जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं विद इन 30 डेज तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप सर ने टैक्स इनवॉइस को रिवाइज कर सकते हैं। और लास्ट वाला हमारे काम करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा 16-3। 16-3 बहुत सिंपल कहता है या तो डेप्रिसिएशन ले लो या फिर क्रेडिट ले लो। और 16-4 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, स्वैग की सीमा। किसकी सीमा बेटा? स्वैग की सीमा। स्वैग किस बात का? वैसे तो सर जैसे ही आपका इनपुट रिसीव हुआ तभी की तभी क्या लो, क्रेडिट। लेकिन सर अगर आप तब क्रेडिट नहीं ले पाए तो कोई सीमा है क्या? हाँ, अगले साल की GSTR3 की, सितंबर की GSTR3 की ड्यू डेट और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, व्हिच एवर इज। एनुअल रिटर्न की वैसे तो डेट क्या होती है? 31 दिसंबर, लेकिन उससे पहले फाइल हो सकती है क्या? हाँ। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किसी से मत बात कर लेना एनुअल रिटर्न के बारे में, तुम्हें उठा के पहले पटकेगा फिर खुद का सर दीवार मारेगा क्योंकि अभी तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुई, डेट एक्सटेंड होती जा रही है। हमें इससे कुछ लेना देना है क्या? नहीं, हमारा तो सर 31 दिसंबर सेट है। कम ऑन, यस और नो? अच्छा जी, ये हो गया सर हमारा 16-4। लगभग सर 6 मिनट और 5 सेकंड के अंदर विद एक बेकार के जोक के साथ हमने सर कवर कर लिया पूरा का पूरा सेक्शन, कौन सा? 60। इसके साथ हमने क्वेश्चंस भी देख लिए क्या क्लास में? कम ऑन, यस और नो? यस, सब कुछ बढ़िया बच्चों। अब मान के चलिए सर पूरा आईटीसी में 3 ही तो सेक्शन है, 16, 17 और 18। थोड़ी सी मेहनत करें सर रिवीजन वीडियोस के साथ और क्लास में बैठ के तो सर गेम बन सकती है बहुत बढ़िया। कम ऑन, चलिए बेटा लंबी की सांस भरिए। मास्टर छुट्टी भागो थोड़ा निकल पहुंचे। जो बच्चे से यूट्यूब पे देख रहे हैं वो बेटा क्या करें, चैनल को जल्दी बताओ क्या करें, और बेटा वीडियो को क्या करें, लाइक। और कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे। जय हिंद। और हां, सीखते रहें क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। बाय बाय, टेक केयर।